हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज रिदान जग चुका है एंड रिदान को अभी जाएगा नाना नानी के साथ घूमने ऊपर, और हम भी जाएंगे ऊपर। और अभी तो पापा जो है कुछ काम कर रहे हैं और मम्मी गए हैं रिदान के कपड़े वगैरह धोने के लिए। और हमारे यहाँ से ट्रेन गुजर रही है अभी, और पापा जो है यहाँ पे बालकनी में पर्दा लगा रहे हैं। यहाँ से देखो आप, ट्रेन जा रही है हमारे यहाँ से। ये हमारे यहाँ से ट्रेन जा रही है अभी, है ना रिदू? जहाँ से ये ट्रेन आ रही है ना, वो मतलब हल्दीबाड़ी से भी आ रही है, बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ये रहा, यहाँ पे पास में स्टेशन है ना, तो यहाँ पे स्लो हो जाती है हमेशा गाड़ी। और यहाँ पे तो पूरा पापा ने पूरा गार्डन वगैरह जो है हमारे पीछे की तरफ पूरा साफ किया है। पापा ने पूरा यहाँ पे गार्डन वगैरह साफ कर दिया है। वहाँ पे देख सकते हैं पापा की साइकिल खड़ी है अभी। पापा देखिए लगा धनिया यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे धनिया भी लगा रखे है पापा ने। क्यों है पापा यहाँ पे पर्दा लगा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे हमें पर्दा लगाना जरूरी ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग रहते हैं ना, तो रात को डेफिनेटली जब लाइट जलाते हैं ना, तो अंदर सारा सब कुछ दिखाई देता है। तो इसीलिए हम हमेशा इस बालकनी में पर्दा लगाते हैं। अरे बाप रे बाप, यार झुंडी सके। ये देखो मैं रिधान को किस तरीके से लेवल अप, उसको मैं गोद में ले रखी हूँ। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं कि कहाँ तक पहुंच चुका है। लिटरली पापा बता रहे थे कि अभी काउंसलिंग हो रहा है, तो अभी हम भी देखकर आते हैं ऊपर। वो रही उपासना दीदी, आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे है हमारा उपासना, ये मेरी बहन है। तो रिधान का जो है मासी यहाँ पे उसको गोद में मतलब ले रखे हैं अभी ना। रिदू रिदू बदमाश मच्छर लिटो के है ना, जो आत्मा आते भाई कौन सा देखे को चाइनस। तो यहाँ पे है आप देख सकते खुशी दीदी भी। तो खुशी दीदी बोल रही है कि मुझे भी दिखा दो ब्लॉग में, तो मैं उसको भी दिखा रही हूँ अभी। अबुई 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 मैं डर लगे अंदर। तो कहले आईस? अस्ति 9 तारीख को आमा तो जानु भयो, हम इजरायल जानु भयो नि। बस बस कि बहुत बदमाश है। ओके 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 ओके। ये देखो इसको बदमाश को कैसे गोद में लिया था, उसको पसंद नहीं आया गोद में। अरे उत्पात करे को हम तो ऊपर जाने वाले थे, तो उपासना की वजह से हमें यहीं पर ही रुकना पड़ा। तो अब हम चलते हैं ऊपर और जाके देखते हैं कि ऊपर क्या काम हो रहा है, क्या काम चल रहा है, कहाँ तक पहुंची है हमारे ऊपर वाले जो घर बना रहे हैं पापा। तो वहां पे भी देखना है कि कहाँ तक पहुंच चुका है। पुट्टी भी लगाए मारी तो ये विधान की नानी कपड़े धो रहे विधान के। अब देख सकते हो रिधान को, मतलब ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था, तो मैंने उसको कुछ इस तरीके से, ये जो बास्केट आप देख रहे हो ना, ये बास्केट हमारे बर्तन वगैरह धो के रखने वाली बास्केट है, तो उसको मैंने यहीं पर ही रख दिया है। आप देख सकते हो
ये बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो गया है, इधर भी नहीं जाएगा किधर भी नहीं जाएगा, वो बस बीच में बैठा रहेगा। एंड या यू प्ले विद दिस लो, मेरे लिए भी आसानी रहेगी। स्टॉप ड्रॉपिंग द थिंग्स विद इट। तो अभी जस्ट मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और साथ ही साथ रिधान को भी मैंने सुला दिया है। एंड अब जाऊंगी मैं जाके खाना बना खा के फिर मैं भी जाके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर रिधान जैक किया तो हम लोग कुछ भी नहीं करवाएंगे। तो इससे पहले वो जगह तो मैं भी खाना बना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि रिधान ना आजकल बहुत ज्यादा बदमाश हो गया है, साथ ही साथ वो तो रात मतलब सोते वक्त भी इतना ज्यादा बदमाशी करता है ना, क्योंकि बदमाशी तो नहीं बोलूंगी, लाइक ऐसा है कि मतलब जिस पोजीशन में उसको सुलाती हूँ पर थोड़ी देर में अपना पोजीशन चेंज कर लेता है और वो बहुत अटपटा पोजीशन में जाके सो जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कौन से पोजीशन में भी सोया हुआ है। रिधान सोया हुआ है और साथ ही साथ पापा यहाँ पे सोए हुए हैं उसको गार्ड करने के लिए। मम्मी पापा मम्मी का जन्म है माथि बीजे दान भएको छ प्लांट लिनु। अच्छा तो यहाँ पे रिधान सोया हुआ है और पापा भी इस तरह सोए हुए हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि अपने पोजीशन चेंज किया है, पहले वो थोड़ा सा मतलब अपने पेट के बल सोया हुआ था पर जैसे मैं अभी आई तो उसने दोबारा से अपना पोजीशन चेंज कर दिया है। तो जब वो उस तरीके से उस पोजीशन में सोया हुआ होगा ना तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखा दूंगी, बट अभी तो वो उस पोजीशन में नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। खैर अभी जस्ट सुने में आया कि विजेता आए हैं और विजेता ऊपर की तरफ है, वो प्लांट लेने के लिए आए हैं तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, विजेता ही आएंगे नीचे तो हम देख लेंगे वो कौन से प्लांट उन्होंने लेके गए हैं यहाँ से। और इनफैक्ट मम्मी को बोल रखा था ना विजेता ने कि लाइक देखो प्लांट्स वगैरह जो अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं तो वो उनके लिए निकाल के रख दे, तो शायद मम्मी ने निकाल के रखे थे। तो अब भी तो रिधान सोया हुआ है और मैं भी थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। तो इट्स इवनिंग नाउ और हम लोग मैं मम्मी और रिधान हम थोड़ा सा जा रहे हैं बाहर एंड बाहर देखते हैं कहाँ पे जा सकते हैं। मम्मी कहाँ जा रहे हैं, मामा घर जा रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा घूमकर आते हैं घर में कितना रहे। और पापा तो जा चुके हैं जिम और अभी हम लोग निकलते हैं, ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। एंड रिधान तो डेफिनेटली अगर उसको मैंने कपड़ा पहना दिया है तो वो घर पे रहना ही नहीं चाहता है, लाइक यू नो रो रो के। फिर इसको मैंने अभी यहाँ पे बिठा दिया है और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मम्मी चलो